गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्राद्धादि करने का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म्य को संक्षेप में कहूँगा, आप सुने। पूर्व काल में गय नामक परम वीरवान एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्रीहरि की शरण में गए। श्रीहरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिवजी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गय नाम का वो बलवान असुर विष्णु माया से मोहित होकर कीकड़ देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वो विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वो स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरक गामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ रस्वती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदनंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धनाधिक दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए ये शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रस्वती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में स्वयमेव स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने पुनः व्यास जी से कहा, कीकट देश में गया पुण्यशाली है। राजगृह, वन तथा विषयाचरण परम पवित्र हैं एवं नदियों में पुनः पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंडपृष्ठ नामक तीर्थ है जिसका मान 2.5 कोस विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोश और गया शिर का परिमाण 1 कोश है। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है, उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथमार्ग तथा रुद्रपद आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वो पापमुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्नपूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर ब्रह्मर्षि गया तीर्थ में मौन धारण करके जो
मौनादित्य और महात्मा कनकार्क का दर्शन करता है, वो पितृदंड से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है, उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है, वो यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है, उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृदंड से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्मस्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार कृधेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भवबंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। प्राणी धेनुवन गोप्रचार तीर्थ नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भवबंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्ति हो जाती है। मुंडपृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु चंडी देवी गौरी मंगला गोमक गोपति अंगारेश्वर सिद्धेश्वर गयादित्य गज तथा मार्कंडेयेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वो पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म से पर्याप्त संतोष नहीं होता? अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ समुद्र और सरोवर हैं, वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गयाशिर श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। उदीच कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्म सदस तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहां पर स्थित कूप में पिंड दानादि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षयवट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ गयालोल वैतरणी तथा गोमक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ राम तीर्थ अग्नि तीर्थ सोम तीर्थ और रामहृद तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था, उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर पर से पार उतार देता है। गृधेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृऋण से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहां पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है, तो निश्चित ही वो अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। ऐन्द्र तीर्थ वासव तीर्थ राम तीर्थ वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गायत्री तीर्थ सावित्री तीर्थ सारस्वत तीर्थ में स्नान संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्धकर्ता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्मयोनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करना चाहिए। वहां पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा के संकट में नहीं पड़ता है। काकजंघा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। धर्मारण्य तथा मतंगवापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृऋण से मुक्त हो जाता है।
यहाँ श्राद्धादि कृत्य करके मंत्र का पाठ करना चाहिए। मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्धादि कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हों और लोकपाल साक्षी हों। इस मतंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों से ऋण मुक्ति का कार्य किया है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वो श्राद्धकर्ता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड पृष्ठादि तीर्थों में भी श्राद्ध क्रिया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके मंत्र पढ़ना चाहिए। हे जनार्दन, भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में ये पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुँचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षयवट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मारण्य कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागाद्री पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम तथा मतंग पर्वत पर मनुष्य को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गयाशीष तीर्थ से दक्षिण तथा महानदी तीर्थ के पश्चिम चंपक वन स्थित है, जहाँ पर पांडुशिला नामक तीर्थ है। श्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीया तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चिरा मंडल, महाहृद और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में श्राद्ध करने से भी प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है, वहीं पर क्रौंच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाला पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। क्रौंच पद तीर्थ से उत्तर निश्चिरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है, वहाँ पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहाँ पर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गया तीर्थ में मुंड पृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रौंचपाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है। महाहृद, कौशिकी, मूल क्षेत्र तथा ग्रंथकूट पर्वत की गुफा में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान महेश्वर शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा की महेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य को ऋणमुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में तीनों लोकों में विशुद्ध पुण्यतमा विशाला नामक नदी तीर्थ है, वहाँ श्राद्ध करने से व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ता को उस क्षेत्र में स्थित मास्पद नाम से विख्यात तीर्थ के जल में स्नान करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसीलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वो हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुँचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में ये उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ मेरा ये पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गयाकूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे शाश्वत ब्रह्मगति प्राप्त करा देता है। वहाँ पर स्थित कोटि तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरीक विष्णुलोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में
त्रिलोक विशुद्ध वैतरणी नामक नदी है, उस गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो श्रद्धालु व्यक्ति वहां पर पिंडदान एवं गोदान करता है, निश्चित ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियों का उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है तो वहां पर उसके द्वारा उन्हीं कुल के ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए जिनका ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में वरण किया था। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता भी पूजित हो जाते हैं। उस गया तीर्थ में हव्य कव्यादि पकवान के द्वारा वहाँ के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की भी विधि है। उत्तमोत्तम गया क्षेत्र में जो विषोत्सर्ग करता है उसे 100 अग्निष्टोम यज्ञों का पुण्य लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिलरहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। हे व्यास जी, जाति के कितने भी पितृ बंधु बांधव एवं सुहृदजन हों, उन सभी के लिए गया क्षेत्र में विधिपूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। रामतीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंगवापी में स्नान करके 1,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। निश्चिरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठाश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला कहते हैं। इस नदी में स्नान करके कृतकृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमारधारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहां पर स्थित कुमारदेव को प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। संवर्तवापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेतकुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देवनदी, लेलिहान, मथन, जानुगर्तक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है। गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्यत मनुष्य को विधिपूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर दूसरे गांव में वो जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर यात्रा करे। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। कुरुक्षेत्र, विशाला, बद्री क्षेत्र, विरजा, जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, शोणनद और महानदी पुनः पुनः के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों को स्वर्गलोक में ले जाए। मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्धादि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वो दिव्य कामनाओं तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंड दान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्धादि करने से मनुष्य देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्धजनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जिह्वा को लपलपाते हुए महाभयंकर, नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विशुद्ध महातीर्थ है। उदीच तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंडपृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्यदेव को नमस्कार करके पिंड दान आदि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा
अग्निश्वात, बरहिषद और सुमपा नामक पितृदेवता हैं। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवों की प्रार्थना करनी चाहिए। हे कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बरहिषद, सुमप, दिव्य पितृदेवता, आप महाभाग यहाँ पधारें। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितर पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करें। ऐसा करने से वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वो सद्य अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वो अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चादवर्ती पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुंचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए ये प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंगवापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वो श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्मसर तीर्थ में जाकर स्नान कर तर्पण करना चाहिए। तदनंतर यूप एवं कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध तथा पिंडदान करने का नियम है। तदनंतर गोप्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवादिकों का तर्पण करें और उसके बाद गया शीर्ष में रुद्र पदादि तीर्थों में जाकर वो पितरों के लिए श्राद्ध करे। तदनंतर व्यास, देहिमुख, पंचाग्नि तथा पदित्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नवदैवत्य और द्वादश दैवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टका तिथियों में, वृद्ध श्राद्ध में, गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल गयाशिर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गयाशिर तीर्थ में शमीपत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंडपृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा था, अतः उस तीर्थ में अल्पमात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गयाशीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों का पिंडदान करता है, उससे नरकलोक में निवास करने वाले पितृजन स्वर्गलोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पांचवें दिन गदालोल तीर्थ में स्नान करके अक्षयवट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अक्षयवट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षयवट में श्राद्ध करने के पश्चात प्रपितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील विषोत्सर्ग करे। एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ये पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेतराज के लिए पिंडदान किया। तदनंतर अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। वणिक के द्वारा वहाँ पिंडदान करने से उस प्रेतराज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वो विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाला में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया।
उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तदनंतर विशाल ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर पिंडदान किया, जिसके पुण्य से वो पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो। उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्य महापापों से युक्त थे। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया, अतः इन लोगों को अवीची नामक नरक प्राप्त हुआ था। किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोक में जा रहे हैं। ये सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वो विशाल स्वर्गलोक में चला गया। गया तीर्थ में पिंडदान करते हुए मंत्रों का पाठ करना चाहिए। हमारे कुल में जो पितर पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहे हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन हैं, जो गर्भ से निकले हुए हैं, गर्भपात के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनका अग्निदाह अथवा अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त हों और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया ये पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो।